नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। भोपाल सरपंच एकता महासंघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के संपूर्ण सरपंच भोपाल के पत्रकार भवन पर एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सिंह पवार ने बताया कि सरपंचों के संपूर्ण अधिकार छीन लिए गए हैं, जिसमें सरपंचों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हमारे अधिकार सुरक्षित करे ताकि हम गांव में विकास कर सके। सरकार एक पंचायत बुलाए और सभी सरपंचों को बुलाकर उसमें ठोस निर्णय ले। उनके जो मन में सारे इकट्ठे हुए हैं, जैसा हमने समझा है, और बिंदु बना के दिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक उनका संदेश भेजना है, इसलिए उन्होंने ज्ञापन लेके ये सब आज ही हम भेज देंगे। बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण अपनी बात को कहना था, इसलिए उन्होंने एकत्र होकर किया। सबसे पहले सभी को नमस्कार, मैं गोपाल सिंह पवार। आज हमें यहाँ इकट्ठा होना ये बड़े दुख की बात है कि हमें हमारी सरकार के साथ काम करते हुए हमें यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। सरकार ने पता नहीं क्या सरपंचों के लिए पूरे विकास कार्य रोक रखे हैं। सभी सरपंच जब गांव से निर्वाचित होकर आए हैं तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सरकार के द्वारा जो विश्वास और पैसा ना मिलना, इसके कारण सरपंचों को मुंह की खानी पड़ रही है। विकास कार्य जब नहीं होगा तो सरपंचों को कौन पूछेगा। जब हमारा मुखिया, मध्य प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री वही हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं तो फिर हम आगे हम क्या करेंगे। हम हमारे संगठन की ओर से हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को बना रहे हैं कि वो कम से कम हमारे बारे में तो सोचे। आज सरपंचों को काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। नरेगा एक महत्वपूर्ण जो मजदूरों के लिए है, उसको एक तारीख का एक पत्र इन्होंने जारी करा, उसमें पूर्ण रूप से मनरेगा को लगभग बंद कर दिया है। कैसे काम चलेगा। विकास कार्य में जिन लोग इन्होंने यहाँ पे अपने आदेश पारित करके जिनको कार्य स्वीकृत किए हैं उन कार्यों पर रोक लगा रखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि वो कमिश्नर को बता करके कलेक्टर्स की मीटिंग लें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको बताएं कि जो कार्य रोक रखे हैं उनको पुनः दोबारा खोलें। 181 पर झूठी शिकायतें होती हैं उनको देखें और जो झूठी कार्रवाई होती है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। आज हमें मजबूरी में यहाँ पर रोड पर बैठना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है और सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज हैं। बिल्कुल, सरपंचों के पूरे अधिकार छीन लिए हैं। हम उन्हीं अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 5 जुलाई 2024 को हमने ब्लॉक अध्यक्ष जनपद सॉरी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों को बुलवाया भोपाल के अंदर। हम यहाँ पे आज से एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। हमारा आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और सरकार के साथ रहेगा। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सरकार को हमारी ओर से कोई नुकसान हो या हमें सरकार के खिलाफ जाना पड़े, हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही हम सरकार से भी ये आशा करते हैं कि कम से कम वो हमारी सुध लें। एक सरपंच आप गांव में सिर्फ तकलीफ के रूप में दिखी जा रही है, काम नहीं कर पा रहा, गांव के लोग ताने भी सुन पा रहे हैं। सरपंचों को मध्य प्रदेश की हमारी सरकार है, हम सभी मध्य प्रदेश में 23,000 सरपंच है, जिसमें से सपोज करो के 17 से 15 हजार बीजेपी मानचेता विचारधारा के सरपंच है और कंधे से कंधे मिला के सरपंच सरकार के साथ चल रहे हैं। परंतु आज जो सरपंच जनप्रतिनिधि बन के जो गांव में चुना गया है वो गांव पे खरा नहीं उतर रहा है। सरकार की एक मंशा थी कि 2023 से 24 में एक भी प्रधानमंत्री आवास हम नहीं छोड़ेंगे, परंतु सरकार ने ऐसा कहा कि जो नए जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं उनको 23 और 24 में एक भी प्रधानमंत्री आवास गांव में नहीं मिली। इससे भी सरपंच पीड़ित थे क्योंकि गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा। तो ऐसी कई समस्या, नरेगा की समस्या में कई बेंड लगा दिए, तो इस वजह से सरकार के साथ मिलके हम एक हमारे अध्यक्ष जी की और हमारी एक मंशा है कि सरकार हमें बुलाए और 52 जिला अध्यक्ष 313 ब्लॉक अध्यक्ष इन सब की एक बार बात अरूबरू सुने, उसके बाद में अगला कदम हम उठाने के लिए मजबूर होंगे। बद्रीदास बेरा की सरपंच संघ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजेंद्र पटेरिया, सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष टीकमगढ़ से। भाई जब हम लोग गांव के सरपंच बनते हैं तो लोगों से क्या क्या वादे नहीं करते हैं, और लोगों से वादे करने के बाद आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल में एक भी हम लोग वादा पूरा नहीं कर पाए। अगर इस तरह से रहा तो अगली बार ये कंडीशन होगी कि हम लोग शायद वार्ड मेंबर भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लोग आज सरपंचों से सभी उम्मीद रखते हैं और सरकार ने हम लोगों के जितने भी जो पावर थे पूरे टोटल बंद कर दिए हैं कि जिससे कि हम कोई एक आगे का कार्य कर सकें। आज मतलब ये है कि सरपंच एक बीपीएल कार्ड बनाने के लायक नहीं है, ये कंडीशन चल रही है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का साथ दे, और अगर साथ नहीं देती है तो फिर उसमें हम लोग मजबूर हैं कि आगे कुछ और कदम उठाएंगे।
ब्रजेंद्र पटेरिया सरपंच महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष टीकमगढ़। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।